माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक फेस सीरम की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि फेमस सीरम है, गुड फाइव्स का रोजिव सीरम। इसका नाम आपने तो सुना ही होगा, ये बहुत ही फेमस है। रोजिव के बारे में हम बात करेंगे, इसका गुनागुण क्या है उसके बारे में भी आप बात करेंगे। लेकिन मेन वीडियो में जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना। तो टाइम वेस्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम चलते हैं डायरेक्ट मेन वीडियो पे। पहले हम जान लें ये रोजिव ऑयल होता क्या है, मतलब इसका बेनिफिट्स क्या है। ये हमारे स्किन को हाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, जस्ट गुड, एंड रेडिकल डैमेज से भी फाइट करते हैं। आपके रिंकल्स को भी ये काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। इसमें विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंड आपकी स्किन को जो स्किन में जो डार्क स्पॉट या स्कार्स हो चुके हैं उसको भी काफ़ी हद तक मतलब क्लियर कर देते हैं, काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मुझे इतना सब कुछ क्या कैसे पता। ऑब्वियसली मैंने तो पहले नहीं सुना था ये रोजिव का नाम, जब मैं ये सीरम खरीद रही थी तो तब भी मुझे पता चला। तो ऑब्वियसली मैंने गूगल से सब कुछ रिसर्च किया है कि कैसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसका। पहले हम बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में। तो इसकी पैकेजिंग ऐसे कुछ कार्डबोर्ड टाइप ऑफ है, और हाँ ये बता दूँ मैं, ये 10 ml है, आपको 30 ml भी मिल जाएगा, ठीक है। ये 10 ml है और इसमें पूरा मतलब बेनिफिट्स, हाउ टू यूज़ सब कुछ दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसका पैकेजिंग ऐसे खोलते हैं तो ये वाला निकलते हैं, ये वाला सीरम, और ये वाला नहीं था, ठीक है, ये वाला नहीं था। इसके अंदर कुछ ये था, ये कैप था, और फिर ये था, और आप मतलब इसमें से बार बार वो सीरम निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, इसलिए मैंने इस पर इसके साथ ही दिया गया हुआ है। ये मैंने इसको कर लिया है, इसको लगा लिया है। ये मेरी सेकंड परचेस है, मैं अपना फर्स्ट परचेस मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, पूरी खाली है। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया, मैं इसका सेकंड बॉटल भी ले ली हूँ। इसका प्राइस आई गेस 215 है, आपको हमेशा ऑफर में मिल जाएगा 170, 180, 190, और इसका एक्सपायरी डेट 2 साल है, तो अच्छा है, काफ़ी हद तक चल जाएगा। और स्पेशली मैं इसको यूज़ करना पसंद करती हूँ मेकअप करने से पहले, मेकअप करने से पहले हम स्किन केयर करते हैं, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर। मैं टोनर लगाती हूँ, सीरम ही लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइजर स्किप कर जाती हूँ क्योंकि उसकी मुझे नीड नहीं होती है, यही सारा काम कर देता है। और मेकअप हमेशा मतलब फ्लॉलेस दिखते हैं, जो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। इसके टेक्सचर के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, तो ड्रॉपी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। और स्मेल थोड़ा कम है, ज़्यादा फ्रेग्रेंस मतलब जिनको पसंद नहीं है उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो। इतना ज़्यादा आपकी स्किन शाइन करेगा बस, और किसी की नीड नहीं है, और बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। और बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। आप मेकअप करोगे या स्किन केयर करोगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैठने वाला है। सो रियली नाइस, रियली नाइस, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ। आई होप आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, एक बार आप ट्राई दे सकते हो तो काफ़ी अच्छा काम कर जाता है। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। घर पर रहिए, खुश रहिए, मैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आप लोगों के मतलब आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो तब तक के लिए, टिल देन एंड बाय बाय।